अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज वर्ल्ड ऑफ पोल्ट्री यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज मोहम्मद अबूबकर नईम। आवर टुडेज टॉपिक इज स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ एन एग। एग हैज थ्री मेजर पार्ट्स, शेल, एल्ब्यूमन एंड योक। शेल इज द 11% ऑफ द टोटल ऑफ पार्ट ऑफ द एग। एल्ब्यूमन इज द 59% ऑफ टोटल ऑफ द एग। Yolk is 30% of total of the egg. Shell. Shell is the outermost part of the egg. The outermost covering of an egg is known as cuticle. This is outermost covering hai, wo hai shell. Aur isko jo hum kehte hain, iski outermost jo covering hai usse hum cuticle kehte hain. Shell have two membranes, outer shell membrane and inner shell membrane. ये देखें, आउटर शेल मेम्ब्रेन एंड इनर शेल मेम्ब्रेन। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर कंपोजिशन ऑफ शेल। एल्ब्यूमन, एल्ब्यूमन एग वाइट हैव टू पार्ट्स, थिक एल्ब्यूमन एंड थिन एल्ब्यूमन। एल्ब्यूमन नियरेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द योक इज थिक एल्ब्यूमन, दिस इज, एंड द nearest part of the shell is thin albumen, this is। आपने जब कभी फ्राई एग आप देखते हैं, आप उसमें देखते हैं कि जो योक के पास पास वाला जो एल्ब्यूमन होती है, ठीक है, वो थिक होती है, थोड़ी सी मोटी होती है, जबकि जो जरा बाय को जो होती है, सारी जो साइडों पे एल्ब्यूमन है वो पतली होती है, थिन होती है, ठीक है। सो वही चीज़ यहाँ पर बता रहा है। आपने जब बॉयल एग भी आप देखें तो उसके अंदर भी जो है, जो ऊपर वाली एक लेयर होती है वो ब्रीक लेयर होती है, और जो अंदर जो होती है एक वो थिक एल्ब्यूमन की लेयर होती है, यानी कि एग वाइट की। सो वही चीज़ बता रहा है। सो ये दो पार्ट्स हैं एग एल्ब्यूमन के, ठीक है, थिक एल्ब्यूमन एंड थिन एल्ब्यूमन। चलेजा क्या चीज़ है? इट इज़ द पेयर ऑफ स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर डेट होल्ड द योक इन द सेंटर, ठीक है। ये है चलेजा, ठीक है। इसका काम क्या है? ये एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। इसका काम क्या है? इसका काम है कि इसने जो योक है उसको दरमियान में होल्ड करके रखना है, दरमियान में रखना है उसको, एग के दरमियान में, ठीक है। इट प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द इक्वेटोरियल रीजन ऑफ द वेटलिन मेम्ब्रेन इनटू द एल्ब्यूमन एंड आर कंसीडर्ड टू एक्ट एज बैलेंसर्स मेंटेनिंग द योक इन ए स्टेडी पोजिशन इन द लेड एग, ठीक है। क्या कह रहा है? कहता है कि जो ये एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है यानी चलेजा है, इसका क्या काम है कि ये एग योक को जो है दरमियान में रखता है, एक बैलेंसर का काम करता है, ठीक है। इसको बैलेंस रखता है योक को एग के दरमियान के अंदर, ठीक है। ये इक्वेटोरियल रीजन जो है, ये वेटलिन मेम्ब्रेन है, इसके इक्वेटोरियल रीजन से ये यहाँ से निकलता है, ठीक है, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, और ये क्या करता है कि ये एग योक को दरमियान में होल्ड रखता है। वेटलिन मेम्ब्रेन का चीज है, इट आल्सो नोन एज द योक मेम्ब्रेन, ठीक है। इट इज, ये है वेटलिन मेम्ब्रेन, ये वेटलिन मेम्ब्रेन इज अ क्लियर सील विच होल्ड्स एग योक। ये एक सील है जिसने अपने अंदर जो है योक को होल्ड किया हुआ है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स योक फ्रॉम ब्रेकिंग, ये योक को टूटने से रोकती है, बचाती है, और एल्ब्यूमन के साथ मिक्स होने से बचाती है, यानी एग वाइट के साथ मिक्स होने से बचाती है, ठीक है। कोई भी एग है उसके जो योक है उसको वेटलिन मेम्ब्रेन ने इतना कवर किया होगा, ठीक है, एक तो, और वहीं से जो है चलेजा जो है उसने उसको दरमियान में रखा होगा, वेटलिन मेम्ब्रेन ने उसको कवर किया होगा ताकि ना वो योक टूटे और ना ही जो है वो एल्ब्यूमन के साथ मिक्स हो। लेकिन हाँ, जब हम उसको शेक कर देंगे ना, ऐसे शेक, तो वो टूट जाएगी, ठीक है। तो ये वेटलिन मेम्ब्रेन टूट जाती है, ये चलेजा भी खराब हो जाता है, तो वो फिर जो है एग जो है सारा अंदर ही मिल जाता है, ठीक है। इट वीकेस्ट एट द जर्मिनल डिस्क एंड वीकेंस विद एज। कहता है कि जो वेटलिन मेम्ब्रेन है, ये जर्मिनल डिस्क, यहाँ पे इसको हम ब्लास्टोजोम भी कहते हैं, जर्मिनल डिस्क को हम आगे जाके पढ़ते हैं क्या चीज़ें, इसको यहाँ इस जगह पर जो है ये थोड़ी कमज़ोर होती है, ठीक है। और फिर कहता है कि
एग की एज के साथ साथ ये कमजोर होती जाती है, यानी कि जितना पुराना एग होता जाएगा ये कमजोर होती जाएगी, ठीक है। एग योक के ब्रेक होने का खतरा फिर बढ़ता जाता है एग के अंदर। अच्छा, योक, योक इज द मिडल पार्ट ऑफ एन एग, ठीक है। नियरेस्ट पोर्शन ऑफ द योक टू द एल्ब्यूमन इज डार्क इन कलर, व्हाइल द इंटरनल पार्ट ऑफ द योक इज लाइट इन कलर। ये देखें, जो इसका एल्ब्यूमन के साथ पास वाला है जो इसका हिस्सा है वो डार्क कलर में है, जबकि जो इंटरनल हिस्सा है वो लाइट कलर में है। आपने कभी जब खाते हैं वो, आपने भी नोट किया होगा, जब आप बॉयल्ड एग खाते हैं तो बॉयल्ड एग की जो जर्दी होती है वो उसका जो बाहर वाला हिस्सा होता है, जो एक्सटर्नल उसकी जो पार्ट है वो होता है डार्क कलर में, जबकि जो इसका इंटरनल होता है वो लाइट कलर में होता है, लाइट येलो कलर में। सो वही चीज़ यहाँ पर बता रहा है। अच्छा, जर्मिनल डिस्क, जर्मिनल डिस्क क्या चीज़ है? The yolk has a small red spot on it and egg cell or germinal disc. It's called egg cell or germinal disc. ये है germinal disc, ठीक है। ये fertile egg की बात कर रहा है। Fertile egg के अंदर germinal disc होती है ये वाली, ठीक है। इसको हम blastoderm भी कहते हैं। अच्छा, this is the part of egg from which the baby chick dwells. यहाँ से होता क्या है? जो बेबी चिक होता है वो यहाँ से ही ग्रो करता है, यहाँ से ही उसकी डेवलपमेंट होती है, यहाँ से ही बेबी चिक बनता है, ठीक है। द योक प्रोवाइड्स फूड फॉर द बेबी चिक व्हाइल इट इज ग्रोइंग इन द शेल। सो ये जो योक है इसका क्या काम है? इसका काम है कि जो यहाँ से जो बेबी चिक डेवलप होता है, बेबी चिक बनता है, उसको ये फूड प्रोवाइड करता है योक। वो बेबी चिक जो है योक के थ्रू फूड लेता है शेल के अंदर जब वो ग्रो कर रहा होता है 21 डेज में, ठीक है। 21 डेज इसका हैचिंग पीरियड है, 21 डेज के तक जो है जो चूजा होता है वो एग के अंदर ही रहता है, और तब तक जो वो है एग योक से जो है अपनी खुराक ले रहा होता है, ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज ब्लास्टोडर्म, मैं पहले भी बता चुका हूँ। अच्छा जी, एयर सेल, एयर सेल इज द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द एल्ब्यूमन एंड द शेल, दिस इज एयर सेल। आपने कभी जब आप नोट किया होगा जब आप बॉयल एग खाते हैं तो बॉयल एग की जो ब्लंट शेप होती है, यानी कि ये वाली जो शेप होती है, तो उसमें उसकी तरफ जो है एक गरा सा होता है, ठीक है। जब आप शेल उतारते हैं छिलका ऊपर से तो एक गरा सा आपको मिलता है, वो एयर सेल है। It present at the larger end of the egg. This is the larger egg, end of the egg, blunt side. When egg is first laid, it is वहाँ पर बनता कैसे है वो बताने लगा है। कहता है कि जब egg ले होता है, जब मुर्गी अंडा देती है उस वक्त अंडा जो है गर्म होता है, ठीक है। As it cools, फिर जैसे जैसे वो ठंडा होता है, the content contracts and the inner shell membrane separate from the outer shell membrane, forming the egg cell. तो जो है वो उसकी जो इनर शेल और आउटर शेल मेम्ब्रेन कॉन्टैक्ट होना शुरू हो जाती है, तो जो उसकी इनर शेल और आउटर शेल मेम्ब्रेन है वो सेपरेट हो जाती हैं, और इसके दरमियान जो गैप बन जाता है वो एयर सेल होता है, ठीक है। ये एयर सेल इसके अंदर बन जाता है। दिस एयर पॉकेट्स गेट्स लार्जर एज द एग एज, जैसे जैसे अंडा पुराना होता जाएगा एयर पॉकेट्स बड़ी होती जाएंगी। सो हम इससे जो है एग की एज का भी अंदाजा लगा सकते हैं थोड़ा बहुत। सो दिस इज द टोटल स्ट्रक्चर कंपोजिशन ऑफ एन एग, ठीक है। हमने पढ़ा कि हमने शेल को पढ़ा, उसकी आउटर मेम्ब्रेन है और इनर शेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि हमने एल्ब्यूमन पढ़ी, इसके दो पार्ट्स हैं, थिक एल्ब्यूमन है, थिन एल्ब्यूमन है। फिर हमने जो है चिलेजा को पढ़ा, जो कि योक को स्माल योक को जो होल्ड किए हुए दरमियान में, उसको वेटीन मेम्ब्रेन पढ़ी। फिर हमने योक के बारे में पढ़ा, ये इसका मिडल पार्ट है का, ठीक है। इसके भी दो तरह कलर होते हैं, जो एल्ब्यूमन के पास वाला कलर होता है वो डार्क होता है, जो इंटरनल कलर है पार्ट का जो कलर है वो लाइट होता है, और इसके अंदर जर्मिनल डिस्क होता है जहाँ से जो है बेबी चिक डेवलप होते हैं, और जो बेबी चिक जो फूड लेता है 21 दिन अंडे के अंदर ही वो इस एग योक से लेता है। सो दिस इज दी टोटल स्ट्रक्चर कंपोजिशन ऑफ एन एग। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।